सो आज ये मोटर ब्लॉगिंग भी मैं IZ1 एक्शन कैमरा से ही शूट कर रहा हूँ, क्योंकि और कोई कैमरा तो मेरे पास फिलहाल है नहीं। इसलिए आप लोग भी मेरे इस कैमरे से रिलेटेड ही वीडियो ज्यादा देखना पसंद कर रहे हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। अगर आप IZ1 को खरीदने का प्लान कर रहे हैं मोटर ब्लॉग शूट के लिए, तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे फॉलोअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स और उन लोगों को भी मेरा प्यार जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया लेकिन फिर भी वीडियो देख रहे हैं, बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चौथी मोटर ब्लॉगिंग वीडियो पे आने का। और आपकी इन चमकती आंखों को भी मेरा नमस्ते, मेरा प्रणाम, कि ये भी मेरे साथ इन वादियों की खूबसूरती का मजा ले पा रही हैं। So, बहुत ही अमेजिंग दिन है गाइस, बहुत ही प्यारा दिन है। So lucky that I'm able to make this मोटर ब्लॉग वीडियो फॉर यू, and I hope you enjoying this video. Please subscribe my channel and support me everyone. बहुत ही धमाकेदार पहाड़ियों के खूबसूरत नजारों के साथ मैं निकल चुका हूँ उत्तराखंड के फिर से एक अनजान खूबसूरत रास्ते पर। तो इस बार मैं स्कूटी थोड़ी और भगाना चाहता हूँ, तो भगाते हैं। तो इस बार मैंने इस वीडियो में मोटर ब्लॉगिंग वीडियो के POV शॉट के साथ सेल्फ शॉट भी लेने की कोशिश की और मैं ले भी पाया, लेकिन ये बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था, क्योंकि पहले तो मैंने अपने स्कूटी के हेडलाइट से कैमरे के हैंड ग्रिप को सेट करने की कोशिश की ताकि मुझे सेमी साइड एंगल में एक अच्छा सेल्फ शॉट मिल सके नीले आसमान और खूबसूरत वादियों के बैकग्राउंड के साथ, और मैं शॉट के दौरान आप लोगों से बात कर पाऊँ ऐसा कुछ मैं सोच रहा था और कोशिश भी कर रहा था। फिर मैंने एक जगह कैमरा रखा और हैंड ग्रिप को स्कूटी से अटैच करने के इस पूरे प्रोसेस को शूट करने की कोशिश की, फिर ये कम्बक पेड़ सामने आ गया। खैर, ये प्रोसेस थोड़ा मुश्किल था मेरे लिए, क्योंकि ब्राउन टेप का मैंने इस्तेमाल किया था हैंड ग्रिप को स्कूटी के हेडलाइट से सेट करने के लिए, जो कि ठीक से पेस नहीं हो रहा था और हैंड ग्रिप काफी हिल भी रहा था, तो मुझे डाउट था कहीं कैमरा शेक न करे ड्राइव करते हुए। तो मैंने इधर उधर हेल्प के लिए भी किसी को देखना चाहा ताकि मैं इस हैंड ग्रिप को अच्छे से फिक्स कर पाऊं, मगर दूर दूर तक कोई पंछी भी मुझे दिखाई नहीं दिया। तो मैंने सोचा अब हैंड ग्रिप जैसा भी सेट हुआ है वैसा ही रहने देते हैं, आगे ड्राइव कंटिन्यू करते हैं। लेकिन जिसका मुझे डर था वही हुआ, कैमरा बहुत हिल रहा था, स्कूटी का साइड मिरर कैमरे के व्यू और मेरी खूबसूरत शक्ल को कर रहा था, और थोड़ी ही दूर स्कूटी को ड्राइव करते ही कैमरा कमबख्त पीछे कर गया और मैं फिर झटिया गया। बेसिकली मैं इस स्कूटी में ना यहाँ पर एक डिफरेंट एंगल से मोटर व्लॉग वीडियो शूट करने की सोच रहा था, लेकिन वे पता नहीं काम ही नहीं किया। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, तो ये गिर गया बहनशो, पता नहीं यार, ये मैंने यहाँ पे अटैच किया लेकिन ये बहुत ज्यादा हिल रहा था ड्राइव करते हुए, तो ये कामयाब हो नहीं पाया ये वाली ट्रिक। देख रहा हूँ कि कैसे इसको मैं मोटर ब्लॉग शूट करते हुए, आपको POV शॉट तो मिलता ही है लेकिन इसके साथ मैं और डिफरेंट एंगल्स कैसे प्ले कर सकता हूँ, मतलब कैसे अप्लाई कर सकता हूँ मोटर ब्लॉग शूट करते हुए और आपको एक डिफरेंट एक्सपीरियंस दे सकता हूँ। फिर मैंने एक काम किया जो थोड़ा रिस्की और चैलेंजिंग था, मैं एक हाथ से कैमरा पकड़ के सेल्फ शॉट लेते हुए ड्राइव करने लगा। तो जैसा मैं शॉट लेना चाह रहा था इन खूबसूरत पहाड़ों, पेड़ों और इस खुले आसमान में इन मन मोह लेने वाले बादलों बैकग्राउंड के साथ, वैसा शॉट मैं ले पा रहा था। खतरनाक काम तो है, क्योंकि मैंने एक हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ है और एक हाथ से मैं स्कूटी ड्राइव कर रहा हूँ। इट्स अ वेरी रिस्की, बट मैं आप लोगों को एक डिफरेंट एंगल देना चाहता था। POV शॉट तो मैं आपको दे ही रहा हूँ, लेकिन आई जस्ट वॉन्टेड टू गिव यू अ डिफरेंट एंगल वाइल मेकिंग दिस मोटर व्लॉग वीडियो, एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई एम एबल टू मेक दिस एंगल फॉर यू। सो अभी जो है मैं टेरी गढ़वाल उत्तराखंड में हूँ, एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल अराउंड मी। लेकिन अंदर से मैं थोड़ा डरा भी हुआ था, क्योंकि रिस्क से भरा ये स्टंट था, एक्सीडेंट भी हो सकता था, बट मैं उतना एक्साइटेड भी था क्योंकि अपने इस एक्सपीरियंस को मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पा रहा था। लेकिन जिंदगी में कुछ नए एक्सपीरियंसेस के लिए और इस नकली डर को ओवरकम करने के लिए हम सभी को रिस्क लेने ही होते हैं, और रिस्क से भरी ये पूरी जिंदगी है दोस्तों। जो अपने सपनों के बारे में बैठ के सिर्फ सोच रहा है वो भी जिंदगी गंवा रहा है, और जो सपनों को हकीकत में पूरा करने की कोशिश कर रहा है वो भी जिंदगी गंवा रहा है। तो अंत में खोने के लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि कुछ मिला ही नहीं, जो मिलेगा वो है मौत। तो क्यों ना इस बची कुछ जिंदगी को और रोमांचक बनाया जाए और वो किया जाए जो हमें करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग भी मेरे साथ इस खूबसूरत राइड को एंजॉय कर पा रहे होंगे। जस्ट एंजॉय द एनवायरनमेंट, एंजॉय द ट्रीज, एंजॉय दिस ब्यूटीफुल डे विद मी, एंजॉय दिस ब्यूटीफुल डे विद मी एवरीवन। Thank you.
सूरज ढलने को है और शाम होने ही वाली है, लेकिन फिर भी मेरा मन इन वादियों में इतना खो गया है कि इस राइड को रोकने का मन ही नहीं कर रहा और मैं बस आगे यूं ही बढ़ता जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक एंड शेयर द वीडियो। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय एवरीवन। Whoa! And now let's see, let's watch what I've made. Let's see the video what I've made, man. Really. देखते हैं भाई क्या बनाया है।